स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैकवॉश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बैकवॉश इफेक्ट की अगर बात करें तो बैकवॉश प्रभाव जो हैं ये जो अवधारणा है 1956 में गुन्नार मेडल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अब बैकवॉश इफेक्ट क्या कहता है कि जो विकसित क्षेत्र होते हैं उनके पास में अच्छी सुविधाएं होती हैं, अच्छी फैसिलिटी होती है, उनके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी होती हैं, अवसर होते हैं। अब ये अच्छी सुविधाएं अवसर कौन से हो सकते हैं, उनके पास में अच्छी शिक्षा का स्तर होता है, लोगों की आय का जो स्तर है वो ऊंचा होता है, वहाँ पे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी होती हैं, या जॉब की जो अपॉर्चुनिटी हैं वो उनके पास में ज़्यादा होती हैं। तो जो क्षेत्र विकसित होते हैं वहाँ पर जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं तो पिछड़े हुए क्षेत्रों से पूंजी और लोग जो हैं मानवीय पूंजी हैं उनका हस्तांतरण किधर होता है, विकसित क्षेत्रों की ओर। जो क्षेत्र समृद्ध हैं विकसित हैं वहाँ पर जो अविकसित हैं या जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ की पूंजी और लोगों का जो हस्तांतरण है वो उधर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से बैकवॉश इफेक्ट कहते हैं। मतलब पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो और पिछड़ जाएगा। क्यों पिछड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास में जो पूंजी उपलब्ध थी, जो अच्छा मैन पावर उपलब्ध था, उनका जो हस्तांतरण वो कहाँ पर हो रहा है, विकसित क्षेत्रों की ओर। क्योंकि विकसित क्षेत्रों में क्या होता है, अच्छी फैसिलिटी होती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। या अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन से हो सकती हैं, शिक्षा की हो सकती हैं, इनकम की हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यू हैं वो हो सकती हैं, उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो विकसित क्षेत्रों में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहन सहन का जो जीवन स्तर का जो तरीका है वो एक तरह से क्या होता है, ऊंचा होता है। उसी को देखकर जो दूसरे लोग हैं जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और वहाँ की जो पूंजी है उसका हस्तांतरण जो है वो कहाँ पे होता है, विकसित क्षेत्रों की ओर। तो इसी को गुन्नार मेडल ने क्या नाम दिया है, बैकवॉश प्रभाव। जैसे माना कि दो क्षेत्र हैं, ए हैं और दूसरा हमारा है बी है। ई को अगर ए को हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है डेवलप्ड है विकसित क्षेत्र है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है। माना कि कोई एक सिटी है, बड़ी सिटी, माना कि जैसे कि ये दिल्ली है, तो दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे कि अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेज हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो हॉस्पिटल होते हैं वो बहुत बढ़िया हैं, यहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं, लोगों की जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है, उनको यहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरे क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे बी क्षेत्र से जो लोग हैं वो कहाँ पर आएंगे, ए क्षेत्र की ओर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे आय का स्तर जो है, सैलरी है वो एक तरह से क्या है, ज़्यादा है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे। तो ऐसी स्थिति में बी क्षेत्र से जो कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल भी हो सकती है, उसका हस्तांतरण कहाँ पे होगा, ए क्षेत्र की ओर होगा। तो एक क्षेत्र का जो विकास है वो तेजी से होगा, जबकि बी क्षेत्र जो है वो और पिछड़ जाएगा, पहले से पिछड़ा हुआ है और उनके पास में जो अच्छा ब्रेन पावर था, जो कैपिटल थी, वो भी कहाँ चली गई है, बी क्षेत्र से ए क्षेत्र की ओर चली गई है। जिससे क्या होगा, बी क्षेत्र है उसके ऊपर एक तरह से विपरीत प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे ए क्षेत्र जो है वो ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा, ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, और बी क्षेत्र जो है वो पिछड़ा रह जाएगा। अब गुन्नार मेडल जो वो क्या कहते हैं कि ये जो ऐसी स्थिति है आर्थिक विकास में, जो ये क्षेत्रीय असंतुलन होता है, रीजनल इम्बेलेंस जो होता है, वो एक तरह से क्या है, प्राकृतिक कारण से होता है, प्राकृतिक स्थिति एक तरह से, ऐसे कोई व्यक्ति जो होता है, मानव जो होता है, वो प्रभावित नहीं कर सकता है, ये तो एक तरह से नेचुरल कंडीशन है कि ऐसा जनरली हो सकता है। और एक क्षेत्र का जो विकास है, समृद्धि है उस क्षेत्र में, समृद्धि प्रोस्पेरिटी की जो कंडीशन है वो कब आएगी, जब दूसरा क्षेत्र जो है उसके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़े। एक क्षेत्र का जो विकास है वो कब होगा, जब दूसरे क्षेत्र पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। बिना दूसरे क्षेत्र पर प्रतिकूल या विपरीत प्रभाव नहीं अगर पड़ेगा तो किसी अन्य क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। किसी भी एक क्षेत्र के विकास के लिए क्या जरूरी है, उस क्षेत्र
के विकास से, डेवलपमेंट से दूसरे क्षेत्र पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, विपरीत प्रभाव पड़े। जैसा कि हम यहाँ पर कह रहे थे कि ए क्षेत्र का अगर विकास होता है तो बी क्षेत्र के पास में जो अच्छे जैसे डॉक्टर्स हैं, माना कि अच्छे इंजीनियर्स हैं, ठीक है, तो उनकी क्या प्रवृत्ति होगी, वो क्या करना चाहेंगे, ए क्षेत्र की ओर जाना चाहेंगे। कोई जैसे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके पास में पैसा है तो वो कहाँ पे लगाना पसंद करेगा, ए क्षेत्र में। तो किसी भी क्षेत्र का विकास होता है, जैसे ये हमने एग्जांपल ले लिया कि दिल्ली हमारे देश की जो राजधानी है, दिल्ली, तो अगर इसका विकास होता है तो दिल्ली में क्या होता है, पूरे इंडिया से जो लोग हैं वो जॉब के लिए, अपनी इनकम वहाँ पे एक तरह से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो जॉब के लिए आना पसंद करते हैं। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी, मतलब चाहे वो राजस्थान से हो सकता है, हरियाणा से हो सकता है, उत्तर प्रदेश से हो सकता है, देश के किसी भी राज्य से लोगों की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ पर होगी, दिल्ली में आने की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं, जो फैसिलिटी हैं, अपॉर्चुनिटी, वो एक तरह से ज़्यादा हैं। तो अब देखिए गुन्नार मेडल क्या कहते हैं कि एक क्षेत्र की जो समृद्धि है या आर्थिक विकास से डेवलपमेंट जो है वो कब होगा, जब किसी क्षेत्र के पास में कुछ प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं, प्राकृतिक लाभ की जो स्थितियां हैं वो विद्यमान होगी, तभी किसी क्षेत्र का विकास होगा। एक क्षेत्र के विकास के लिए क्या जरूरी है, उस क्षेत्र के पास में कुछ प्राकृतिक लाभ की स्थितियाँ हो। जैसे माना कि हम मुंबई ले लें, तो मुंबई का जो विकास है उसका क्या कारण होगा कि उसके पास में प्राकृतिक लाभ की स्थितियां हैं, कि जैसे उसके पास में समुद्री किनारा है जहां पर बंदरगाहों का विकास हो गया है, उसके पास में अच्छे रॉ मटेरियल के भंडार हो सकते हैं, कच्चे माल के भंडार हो सकते हैं। तो किसी क्षेत्र का विकास होने के लिए क्या जरूरी है, उस क्षेत्र के पास में प्राकृतिक लाभ की स्थितियाँ होना आवश्यक है। जैसे उसके पास में कच्चे माल के भंडार हो सकते हैं, ईंधन की उपलब्धता हो सकती है, सिंचाई के साधन हो सकते हैं, आधारभूत संरचना, सड़कें अच्छी हो सकती हैं, रेलवे मतलब जो परिवहन के साधन है वो अच्छे हो सकते हैं। तो जब किसी क्षेत्र के पास में ये सुविधाएं ज्यादा होगी तो उस क्षेत्र का जो विकास है वो तेजी से होगा। आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी है, किसी देश के पास में, किसी क्षेत्र के पास में प्राकृतिक लाभ की जो स्थितियां हैं वो विद्यमान होनी चाहिए। जैसे हम विकसित क्षेत्रों की बात करते हैं तो विकसित क्षेत्रों के पास में आधुनिक तकनीकी ज्ञान है, तो इसलिए उनका विकास एक तरह से क्या हुआ है, तेजी से हुआ है, क्योंकि उनके पास में जो विकास करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधन चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज, वो उनके पास में ज़्यादा हैं और इसलिए उनका जो विकास है वो तेजी से हुआ है। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो गरीब देश हैं, ठीक है, उनके पास में एक तरह से अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होने से वो अपना जो विकास है वो नहीं कर पाए, वो कम विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, किसी क्षेत्र की जो समृद्धि है, विकास है, वो एक तरह से प्राकृतिक परिणाम होता है, उनके पास में प्राकृतिक लाभ की स्थितियाँ होनी चाहिए और प्राकृतिक लाभ की स्थितियाँ होने से ही उसका जो विकास है वो तेजी से होगा। और जब उस क्षेत्र का विकास होगा, और ये विकास कब होगा, जब दूसरा क्षेत्र जो है उसके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़े, मतलब वो पिछड़ा रह जाए, वहाँ के जो अच्छे मेन पावर हैं, ठीक है, अच्छे माइंड ब्रेन जैसे हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे, विकसित क्षेत्रों के पास में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखिए बैकवॉश इफेक्ट जो है उसको हम इन तीन पॉइंट के आधार पर समझ सकते हैं कि जब बैकवॉश इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, तो किसी एक क्षेत्र का विकास होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो लेबर है उसका माइग्रेशन होगा, जो श्रम है उसका हस्तांतरण कहाँ पे होगा, विकसित क्षेत्रों की ओर, कम विकसित पिछड़े हुए क्षेत्रों से जो विकसित क्षेत्र हैं वहाँ पर श्रम का हस्तांतरण होता है। दूसरा कैपिटल का मूवमेंट भी हो सकता है, पूंजी का हस्तांतरण भी हो सकता है और कच्चे माल का हस्तांतरण भी हो सकता है। बैकवॉश इफेक्ट क्या कहता है, एक विकसित क्षेत्र जो है उसका जब विकास होता है तो वहां पर दूसरे क्षेत्रों से पूंजी का हस्तांतरण होता है, श्रम का हस्तांतरण होता है, कच्चे माल का हस्तांतरण होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बैकवॉश इफेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम दिल्ली का एग्जांपल ले लें, दिल्ली एनसीआर जो है, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, उसका जो विकास है तो जो हमारा
देश की राजधानी है दिल्ली, उसके विकास अगर विकास हो गया है तो इसी कंडीशन में हमारे देश के जो अन्य राज्य वहाँ के लोग भी क्या होते हैं यहाँ पे आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड एक तरह से क्या है, जीवन स्तर लोगों का ऊंचा है, यहाँ पर इनकम का जो लेवल है वो ऊंचा है, यहाँ पर एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी है, हेल्थ की अच्छी फैसिलिटी है, तो ये सारी फैसिलिटी अच्छी होने से देश या विदेशों से लोगों की यहाँ आने की प्रवृत्ति होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, बेकवॉश इफेक्ट कहा जाता है, जो गुंडार मेडल के द्वारा 1956 में प्रतिपादित किया गया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें हम बता सकते हैं कि जब किसी एक क्षेत्र का विकास होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पे मानवीय पूंजी और जो भौतिक पूंजी है उसका हस्तांतरण कहाँ पे होता है, विकसित क्षेत्रों की ओर होता है। पूंजी का हस्तांतरण भी हो सकता है, श्रम का हस्तांतरण भी हो सकता है, और तीसरा हमारा कच्चे माल का हस्तांतरण भी हो सकता है। तो जब किसी एक क्षेत्र का विकास होगा तो वहाँ पे पूंजी का, श्रम का और कच्चे माल का हस्तांतरण होता है, और ये हस्तांतरण होने से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो और ज़्यादा पिछड़ जाएगा। ठीक है, जब विकसित क्षेत्रों की ओर, कम विकसित क्षेत्रों से, विकसित क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं, वहाँ पर कैपिटल हैं, लेबर हैं, रॉ मटेरियल, उसका हस्तांतरण होता है, जिससे क्या होगा, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो और पिछड़ जाएगा। तो आपको बैकवॉश इफेक्ट क्या है ये समझ में आ चुका होगा। अब इसी से संबंधित एक दूसरी हमारी अवधारणा है, स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है, विस्तारक प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बैकवॉश इफेक्ट से ही संबंधित है। इसका एक तरह से हम कह सकते हैं विपरीत स्थिति है, बैकवॉश प्रभाव की विपरीत स्थिति को हम क्या कहते हैं, विस्तारक प्रभाव कहते हैं, काउंटर टू द बैकवॉश इफेक्ट। बैकवॉश इफेक्ट जो है उसका एक तरह से काउंटर है, उसकी एक तरह से अपोजिट कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्प्रेड इफेक्ट कहेंगे। अब देखिए स्प्रेड इफेक्ट क्या कहता है कि जब किसी एक क्षेत्र का विकास होता है, जैसे कि हमने भी एग्जांपल लिया था कि दिल्ली का विकास हुआ है, दिल्ली में अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होते हैं, डेवलपमेंट होता है, ये है दिल्ली, जब इसका विकास होता है तो इसका विकास होने से इसका जो विकास है वो कहाँ पे होगा, अब इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इसका विकास बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट इन वन रीजन स्प्रेड टू इट्स सबर्ब्स एंड ऑल एडजॉइनिंग एरियाज, उससे रिलेटेड उसके आसपास की जो बस्ती हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन सभी का भी विकास होगा। जैसे दिल्ली के आसपास कौन कौन से क्षेत्र हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, तो इनके जो क्षेत्र हैं तो दिल्ली का विकास, दिल्ली एनसीआर रीजन में हम क्या क्या लेते हैं, बहुत सारे क्षेत्र आ गया, पूरा करनाल आ गया, जैसे पानीपत आ गया, सोनीपत आ गया, रोहतक आ गया, राजस्थान से जैसे अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, और नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, मेरठ है, गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है। तो जब इस दिल्ली का विकास हुआ, हमारे देश की राजधानी का विकास हुआ, तो यहाँ इसका जो विकास हुआ है, फिर इसका जो विस्तारक प्रभाव है वो कहाँ पे पड़ा, इसके आसपास के क्षेत्रों पर, जैसे उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसके पास में है, राजस्थान के कुछ हिस्से हैं, हरियाणा के हिस्से हैं, तो दिल्ली का विकास होने से उसके आसपास के क्षेत्रों का भी विकास हुआ है। तो जब किसी एक क्षेत्र का विकास होता है तो उसका जो प्रभाव है वो उसके आसपास के क्षेत्रों पर, आसपास की बस्ती पर भी होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रेड इफेक्ट कहते हैं, विस्तारक प्रभाव कहते हैं। तो विस्तारक प्रभाव क्या है वो आपको आ गया हो समझ में, कि जब दिल्ली जैसे हैं, एग्जांपल ले लिया हमने कि हमारा दिल्ली है, इसका विकास हुआ है, अब इसका विकास होने से जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं, अब जैसे माना कि ये कोई बड़ी कंपनी है, उसने अपनी इंडस्ट्री लगा रखी है दिल्ली में, अब क्या होगा, उसका वो क्या करेगी, अपनी उस कंपनी का भी वो विस्तार करने चाहेगी, तो विस्तार करने के लिए वो क्या करेगी, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो वहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो अपनी एक कंपनी अब क्या करेगी, यहाँ पे स्थापित कर दिया। नए नए जो आविष्कार होते रहते हैं दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे जो आविष्कार हुए हैं अब उसका जो प्रयोग है वो आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी होगा, यहाँ पर अगर कोई बैंक है उसकी शाखा का जो विस्तार है वो आसपास के क्षेत्र में होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब किसी क्षेत्र का विकास होता है तो उस क्षेत्र का विकास होने से उसके आसपास की जो बस्ती हैं, जो पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर भी धीरे धीरे उसका भी विकास होने लगता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, विस्तारक प्रभाव कहा जाता है।
जाता है, स्प्रेड इफेक्ट कहा जाता है। एक क्षेत्र का विकास होने से उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसका भी विकास होता है। विकसित क्षेत्रों के लिए जो कच्चे माल, अब देखो जैसे दिल्ली का विकास हुआ है तो इनको जो कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से परचेज करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। जो पिछड़े हुए क्षेत्र क्या करेंगे, उनके लिए रॉ मटेरियल कच्चे माल की आपूर्ति करेंगे, जिससे जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उनके पास भी कैपिटल आएगी, पूंजी आएगी, पैसा आएगा। तो इसके कहने का मतलब हो गया कि जब एक क्षेत्र का विकास होता है, जैसे हमने उदाहरण लिया था कि दिल्ली का विकास हुआ है, तो दिल्ली का विकास होने के साथ साथ में इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे अलवर हो गया, राजस्थान के भाग हो गया, भरतपुर हो गया, गुड़गांव हो गया, और रोहतक हो गया, पानीपत हो गया, ये आसपास के जो क्षेत्र है, भिवानी है, ठीक है, ये पूरा हरियाणा वाला भाग है, ये राजस्थान का भाग है, ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो सारे आसपास के इलाके हैं, इनका भी एक तरह से तेजी से विकास हुआ है। क्यों हुआ है? दिल्ली का विकास होने से, दिल्ली का विकास होने से आसपास के क्षेत्रों में भी विकास से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो एक तरह से बढ़ी हैं। क्योंकि देखो ये जब इस क्षेत्र का विकास हो गया तो अब इस क्षेत्र के ऊपर एक तरह से क्या होगा, दबाव होगा, और ऐसी स्थिति में अब अपना ये विकास करने के लिए क्या होगा कि इनका जो विस्तार है वो कहाँ पर होगा, आसपास के क्षेत्रों में, चारों तरफ होगा। धीरे धीरे इनके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो विकसित हो जाएंगे, फिर इनके आसपास के क्षेत्र विकसित हो जाएंगे। इस तरीके से प्रादेशिक असंतुलन जो होता है उससे संतुलित विकास की ओर बढ़ता जाएगा। इसी को हम कहते हैं बैकवॉश इफेक्ट, जो गुंडार मेडल के द्वारा प्रतिपादित किया था। और एक क्षेत्र का विकास होने से उसके आसपास की जो बस्तियां हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, उसका भी विकास होगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेड इफेक्ट कहते हैं, विस्तारक प्रभाव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब किसी एक क्षेत्र का विकास होता है तो इससे दूसरे क्षेत्र के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, दूसरा क्षेत्र जो है वो और पिछड़ता जाता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतियाँ बनानी चाहिए। सरकार का अगर कोई इसमें रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट अगर इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेती है, तो इसी कंडीशन में बैकवॉश इफेक्ट जो है वो स्प्रेड इफेक्ट से ज़्यादा होगा, विस्तारक प्रभाव की तुलना में बैकवॉश प्रभाव ज़्यादा होगा। और बैकवॉश प्रभाव ज़्यादा होगा तो ए क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो जाएगा और बी क्षेत्र जो है वो लगातार पिछड़ता जाएगा। तो बी क्षेत्र के विकास के लिए क्या जरूरी है कि सरकार जो है उसके लिए पर्याप्त एक्शन ले, पर्याप्त मात्रा में उसके विकास के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी बी क्षेत्र जो हमारा है, जैसे ए क्षेत्र और बी क्षेत्र है, बी क्षेत्र से ए क्षेत्र की ओर पूंजी है, लेबर इनका अगर हस्तांतरण हो रहा है, तो ए क्षेत्र का जो विकास है वो तेजी से होता है, और ए क्षेत्र का विकास तेजी से होने से बी क्षेत्र पिछड़ जाएगा। तो बी क्षेत्र का विकास करने के लिए क्या जरूरी है कि सरकार जो है इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसमें एक तरह से वो इंटरेस्ट लें, तभी इस क्षेत्र का जो विकास है वो हो पाएगा। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, लेबर माइग्रेशन, श्रम का जो प्रवास होता है उसका उदाहरण लेके हम समझ लेते हैं कि देखिए जब किसी सेक्टर का विकास होता है, विकसित क्षेत्र का, तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके पास में जो भी माइंड पावर हैं या जो अच्छी अच्छी जो युवा आबादी हम कह सकते हैं, यंग पीपल कह सकते हैं, ठीक है, जो एक तरह से कार्यशील जनसंख्या होती है, वर्किंग पॉपुलेशन होती है, तो उसका जो हस्तांतरण वो कहाँ पर होगा, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ से वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसका हस्तांतरण कहाँ पे होगा, अच्छे जो विकसित क्षेत्र हैं, डेवलप्ड जो क्षेत्र हैं वहाँ पे होगा। और जब डेवलप्ड क्षेत्र में जो युवा आबादी हैं वो पिछड़े हुए क्षेत्रों की जो युवा आबादी हैं, कार्यशील जनसंख्या है, वो अगर विकसित क्षेत्रों में चली जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है जिसको हम पेराफेरी इलाका कह सकते हैं, पेराफेरी, तो ऐसी कंडीशन में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसका मार्केट क्या होगा, एक तरह से छोटा सा हो जाएगा। छोटा मार्केट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो युवा आबादी है वो तो कहाँ चली गई है, डेवलप्ड जो एरिया है, विकसित क्षेत्र है वहाँ पर चली गई है, तो यहाँ पर कौन रहेगा, जो बच्चे बूढ़े, कहने का मतलब, और उनकी परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। परचेजिंग पावर के लिए क्या जरूरी, इनकम होनी चाहिए, और इनकम किन की होती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो कार्यशील जनसंख्या होती है, तो इस स्थिति में यहाँ का जो मार्केट है वो छोटा सा रह जाएगा। और जब यहाँ का जो मार्केट है वो छोटा सा हो जाएगा तो यहाँ की जो स्थानीय सेवाएं हैं, लोकल सर्विसेज हैं, वो एक तरह से क्या होगी, धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी।
जैसे यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज हैं उसको प्राप्त करने के लिए लोगों के पास में पैसा क्या होगा, कम होगा, तो वो कम पैसे पर कोई चीज प्राप्त करना चाहेंगे, ठीक है। उसके लिए वो जो पैसा देंगे बदले में क्या देना चाहेंगे, कम देना चाहेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो एरिया है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर एक तरह से नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका अट्रैक्शन नहीं होगा, नई नई एक्टिविटीज है वो यहाँ पे नहीं होगी, वो कहाँ पे होगी, अब जो विकसित क्षेत्र है वो उसको अट्रैक्ट करेगी, जबकि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर इनकम का लेवल क्या हो गया, कम हो गया है, लोगों की इनकम कम है, परचेजिंग पावर कम है, डिमांड कम है, जिससे ये क्षेत्र जो है वो और ज्यादा पिछड़ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जो कोर सेक्टर है, जो विकसित है हमारा डेवलप्ड सेक्टर है, उन दोनों के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, जो इनकम का लेवल है, उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो एक तरह से पिछड़ती जाएगी, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। और साथ में जब जो युवा आबादी है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ की युवा आबादी है, कैपिटल है, उसका हस्तांतरण अगर विकसित क्षेत्रों की ओर होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उनके पास में युवा आबादी जो है वो एक तरह से कम होगी, किसके कंपैरिजन में, विकसित क्षेत्रों की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा कि नई जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसका अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा, और इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। इसको हम इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लेके भी समझा सकते हैं कि जब किसी एक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है, तो इन्वेस्टमेंट जब अगर इस क्षेत्र में, जैसे कि माना कि इंडिया ले लिया हमने, अमेरिका ले लिया, तो जब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में जो इंडियन जिनके पास में ज़्यादा कैपिटल है वो भी क्या करेंगे, अपनी पूंजी को कहाँ पे लगाना पसंद करेंगे, अमेरिका में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया के पास में जो कैपिटल थी, जो रिसोर्सेस थे, वो कहाँ पे चले गए, अमेरिका के पास चले गए। तो अमेरिका के पास जाने से क्या होगा, अमेरिका का जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होगा, लेकिन इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि इनके पास में जो रिसोर्सेस थे, चाहे वो कैपिटल थी, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस थे, ठीक है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं जैसे, तो वो सब कहाँ पे चले गए, अमेरिका चले गए। तो यहाँ जाने से क्या होगा, यहाँ की इनकम का जो लेवल, इंडिया की इनकम का लेवल, वो एक तरह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, जबकि अमेरिका में डिमांड है, इनकम का लेवल है, ये सब क्या होगा, बढ़ेगा, और जिससे अमेरिका का जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से हो जाएगा, जबकि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। लेकिन ये तो हो गया हमारा बैकवॉश इफेक्ट हो गया, लेकिन इसका स्प्रेड इफेक्ट क्या है कि जब अमेरिका का डेवलपमेंट होगा तो अमेरिका अपने को डेवलप करने के लिए उनको जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से परचेस करेगा, इंडिया से परचेस करेगा, तो बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से जो कैपिटल है वो वापस कहाँ पे आएगी, इंडिया के पास में भी आएगी, तो इससे क्या होगा, इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो भी होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रेड इफेक्ट कहेंगे। तो आपको दोनों टॉपिक आ गए होंगे समझ में, बैकवॉश इफेक्ट क्या है और स्प्रेड इफेक्ट क्या है। थैंक यू।